हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे अपकमिंग काशी यूट्यूब चैनल पर। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि आप हमारे भाई जैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो भारत में अब तक की सबसे लोकप्रिय एसयूवी है। कार को पहली बार 2002 में लाया गया था और तब से इसकी दो फेसलिफ्ट थी, एक 2006 में और दूसरी 2014 में। अब स्कॉर्पियो को एक पीढ़ी में बदलाव प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अगली पीढ़ी की महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत में पहले से ही लोकप्रिय स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल की तीन पीढ़ियों को देखा है और अब चौथा अपने रास्ते पर है। अगली जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो को 2021 के मध्य में पेश किया जाने की उम्मीद है और नए मॉडल भारत स्टेज VI BS6 और स्ट्रिंगेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स दोनों का पालन करेगा। आप लोगों को मैं लास्ट में इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस भी बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो 2021 के कई प्रोटोटाइप मॉडल भारत में पहले ही परीक्षण के दौरान देखे जा चुके हैं। अब तक देखे गए परीक्षण द्वारा देखते हुए नए जनरेशन स्कॉर्पियो आकार के मामले में बहुत बड़ा होगा और एक नया डिजाइन मार्ग भी प्राप्त करता है। नई पीढ़ी का मॉडल आउटगोइंग स्कॉर्पियो रूप से अलग प्रतीत होता है। शानदार रूफ के साथ एसयूवी पर लोअर रूफ और बड़े रेसों को देखने की उम्मीद है। परीक्षण में आगे फ्लेयर व्हील और एक थोड़ा उखड़ी विंडशील का पता चलता है। 2021 महिंद्रा स्कॉर्पियो में मल्टी स्लेटेड वर्टिकल फ्रंट ग्रिल, शार्पर हैंड लैंप्स, रीडिजाइन किया गया फ्रंट बम्पर और चौड़े एयर इन लेंस, लंबे पिलर्स, थोड़ी उठी हुई विंडशील्ड, एसयूवी 300 के नए रियर व्हील के रूप में रियर डोर पर एक प्रमुख किंक, वर्टिकल अन्य बदलावों के बीच LED टेल लैंप, अपडेटेड टेल गेट और रियर बम्पर तैनात हैं। नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो एक नई विकसित टर्बोचार्ज डीजल इंजन द्वारा संचालित होगी जो एसयूवी 500 और महिंद्रा थार को भी शक्ति प्रदान करता है। यह नया इंजन 3 अलग अलग स्टेटस ट्यून को पेशकश करेगा। स्कॉर्पियो का पावर करते समय नया टर्बो डीजल इंजन लगभग 160 BHP की पावर और 350 Nm से अधिक टॉर्क पैदा करने की संभावना है। यह एक नए विकसित 6-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के रूप में 4WD सिस्टम प्राप्त करेगा। पेट्रोल में स्कॉर्पियो एक नए 2.0 लीटर एमिस्टोलियन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित होगी जो 190 BHP की पावर और 380 Nm का टॉर्क पैदा करने में सक्षम है। ट्रांसमिशन विकल्पों में एक 6-स्पीड मैनुअल और एक 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर स्वचालित शामिल होगा। और अब जानते हैं स्कॉर्पियो का एक्सपेक्टेड प्राइस क्या रहने वाला है। महिंद्रा स्कॉर्पियो 2021 की एक्सपेक्टेड प्राइस 9.5 लाख से 15 लाख रहने वाली है। अंदर की तरफ नई महिंद्रा स्कॉर्पियो को पूर्ण ओवरहाल मिलने की उम्मीद है। बेहतर सामग्री की क्वालिटी की अपेक्षा है और पिनिन फेरिना डिजाइन तत्वों के साथ साथ फिट और फिनिश होता है। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कंपेबिलिटी, मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, अधिक आराम और मॉडल पर कनेक्टिविटी सुविधाओं के साथ एक बड़ी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की उपलब्ध होने की आशा है। अधिक सुरक्षा सुविधाओं को भी उम्मीद करते हैं जैसे डुअल एयरबैग, EBD के साथ ABS, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रियर पार्किंग सेंसर, हाई स्पीड वार्निंग और ISO फिक्स चाइल्ड सीट, सभी को स्टैंडर्ड फिटमेंट के तौर पर पेश किया गया है। और इस वीडियो में इतने। अगर आप स्कॉर्पियो के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।